ग्वालियर में अधिवक्ताओं के विशेष अनुरोध के बाद आखिरकार हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। हाईकोर्ट में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्ताओं को ये वैक्सीनेशन की सुविधा दोनों ही कोर्ट में उपलब्ध कराई गई है। इसमें 400 से ज्यादा हाईकोर्ट में वकीलों ने वैक्सीन लगवाई है, जबकि 1000 के करीब लोगों ने जिला न्यायालय में अपना वैक्सीनेशन कराया है। इसमें अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के अलावा उनके परिवार भी शामिल हैं। अधिवक्ता और न्याय कर्मचारी काफ़ी समय से वैक्सीनेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल से केंद्र सरकार द्वारा 45 साल की आयु पूरी कर चुके लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा का लाभ देने के साथ ही हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में विशेष कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से कोरोना वायरस स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मियों वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह की कमी देखी जा रही थी, इसके विपरीत अधिवक्ताओं और कोर्ट के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर इस वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया है। अधिवक्ताओं ने लाइन में लगकर वैक्सीनेशन करवाया है। कोर्ट में वैक्सीनेशन की सुविधा दिए जाने को लेकर अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया है और लोगों से अपील की है कि वे अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। अधिवक्ताओं ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो ठीक नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय सिटी सेंटर परिसर में और उसमें 408 लोगों को लगाया गया था। आज बहुत ही तीव्र गति से यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में दोनों जगह आज लगाया जा रहा है, जिसमें एडवोकेट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को और जो स्टाफ है कोर्ट का, उन सभी को वैक्सीनेशन का मौका मिल रहा है। वो लोग अच्छी तादाद में लगवा रहे हैं। देखिए, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है और इससे जो लोगों का जो भ्रम है कि इसमें साइड इफेक्ट है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे द्वारा भी लगवाया गया है, तो इस प्रकार का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो नहायत गलत है। बल्कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका 1-2 दिन में बढ़ना शुरू हो जाता है, और यदि कोरोना आता भी है तो उसके बाद फिर उसका इफेक्ट सैकड़ों पर नहीं पड़ता।